की आंखों में नशा हो जाता है ना अभी डोसे का नशा। मैंने वो यार डोसा सुबह सुबह घंटी मार के गया बंदा, पार्सल आ गया कोई। इसका पोस्टमार्टम करेंगे, खोलते तभी मालूम पड़ता है कि भाई क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। ये मैंने ऑर्डर किया था भाई गुलू का जंप स्टार्टर। आपकी कार की बैटरी डेड हो गई है तो आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका ट्रक भी है 12 वोल्ट का कोई भी, तो आप उसको भी इसके साथ में स्टार्ट कर सकते हो। वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल पैकिंग यार। गुलू का एक जिप बैग भी है, क्या बात है। ये हो गई अपनी दो वायर। तो कभी कभी अपनी कार ठंड में स्टार्ट ही नहीं होती, इसलिए मैंने इसको अभी ऑर्डर कर लिया, क्योंकि पिछले साल मेरे को बहुत सारा प्रॉब्लम हुई थी। और ये हो गया गुलू का जंप स्टार्टर। देखो भाई बैटरी भी चलती है, ये देखो क्या बात है, क्या बात है। एक 5 वोल्ट और 9 वोल्ट और 12 वोल्ट का यूएसबी आउटपुट भी है और एक सी टाइप आउटपुट भी है। चार्जर बैंक हो गया ये। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, अगर आपको ये वाला चाहिए तो इसमें बहुत सारे मॉडल्स और बहुत सारी वैरायटीज हैं, आप अपने हिसाब से बाय कर सकते हो। मेरे को तो ये बहुत बढ़िया लगा। जंप स्टार्टर, चार्जिंग केबल, सी पोर्ट, 10 एम्पीयर की आउटपुट, कार स्टार्टर और ये इसका बॉक्स। गुलू गुलू हुई पड़ी है भाई, गुलू गुलू। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਐਵਰੀਬਡੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ। ਓਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ। ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ ਜਬ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਲੈਣੀ ਹੋਤੀ ਨਾ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਲੀ, ਤੋ ਕਭੀ ਕਭੀ ਮੈਂ ਪੀਛੇ ਵਾਲਾ ਯੇ ਵਾਲਾ ਡੋਰ ਖੋਲ ਕੇ ਨਾ ਤੋ ਪੀਛੇ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੂੰ। ਕੱਲ ਰਾਤ ਕੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਯੇ ਦੇਖੋ ਹਮਾਰੇ ਪੀਛੇ ਹਮਾਰੀ ਕਣਕ ਔਰ ਹਮਾਰਾ ਜੋ ਚਾਵਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਿਤਨਾ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸਕਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਹਨੋਨੇ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਨੋਨੇ ਵੀ ਘਾਸ ਲਗਾਇਆ ਹੂਆ ਹੈ, ਬਸ ਹਮ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। तो करेंगे इस साल इसकी भी कोई तरतीब, इससे पहले कि मच्छर आ जाए। रेडी, सारा खाना होता है ड्राइवर लोगों का, 3 दिन का खाना बांध के दे देते हैं कि भाई जाओ वापस नहीं आना अभी। ये दो लिफाफे मेरे को बांध दिए भी भाई जाओ। हेलो इधर, हेलो हेलो बोल के जा इसको। इसको हेलो बोल के जाना जब भी गैरेज में आना, ठीक है। जब भी फ्री होगी इसके ऊपर बैठ मेरे सामने, पहले इसका हाल पूछ। हेलो क्या हाल चाल है। हाँ ये बनी बात। अभी खुश है ना, वो कितनी खुश है देख। दिन देखो यार, दिन देखो। ओके बाय। कंपनी वालों की कॉल आ गई। वाहेगुरु। ये देखो फिर से किसी बंदे ने कांड किया है आज। मैंने अपना बैग यहाँ पे टिकाया हुआ है, गुस्सा आ रहा है, अभी दिमाग खराब हो रहा है। काम पे जाने के टाइम में पहले ऐसे चीजें देख के दिमाग खराब होता है। आज अपने को ना अकेला कन्वर्टर लेके जाना है यहाँ से, ये वाला, कोई ट्रेलर नहीं लेके जाना। 200 किलोमीटर आगे जाके फिर वहां से 2 ट्रेलर उठाएंगे और फिर हम बन जाएंगे डबल ट्रेलर वाले। इसकी लाइटें फ्रीज हैं, ये देखो ब्लिंक नहीं कर रही। अभी तो मौका है, कोई और उठा लेते हैं, बाद में रास्ते में प्रॉब्लम होगी। क्या बात है, अपने निशाने कितने सही हो गए ना। तो ऐसे ब्लिंक करने चाहिए ये। ट्रेलर होता ना पीछे फिर कोई टेंशन नहीं होती। तो अभी अकेला कन्वर्टर ही दिखेगा लोगों को, पीछे पुलिस वाले को भी। ये यहाँ से खुली रखनी है, अगर हमने दोनों खोल दी ना ये वाली ऐसे, तो फिर आप देखना कैसे झटके मारता है कन्वर्टर पीछे से। ऐसे कन्वर्टर की ब्रेक चालू हो जाती है, तो कन्वर्टर की ब्रेक चालू करने का फायदा नहीं कोई। वैसे लीगली ऐसा बोलते नहीं कि बंद करो, लेकिन चालू रख के भी फायदा नहीं होता कोई। जो वाल मैंने बंद किया ना वो ब्लू वाला है। अब मेरा ट्रक सारा गंदा कर दिया, मेरे को गुस्सा आ रहा है। लेट्स गो। आज तो 2 मिनट ही लगे कन्वर्टर हुक करने में। अगर ट्रेलर होते तो जितना पानी खड़ा है बाहर, शूज और पूरे कपड़े गंदे होने के चांस थे। जो पीछे ट्रेलर वाली वायरें होती है ना, बस उनको सिक्योर करना अपनी ज्यादा जिम्मेवारी है। एक बार वहां जाके फिर चेक कर लेते हैं। एक नया इंसिडेंट हुआ है अपने साथ में। कल कोई बंदा अपना अपनी कंपनी में ट्रक लेके गया और शायद वो हमारी वीडियोस देखता था, अपना भाई होगा। तो जाने के टाइम में उसने अपना नंबर और साथ में लिख दिया बिग फैन। लेकिन मेरे को एक बात अच्छी नहीं लगी, ये देखो लिख दिया बिग फैन और साथ में अपना मोबाइल नंबर लिख दिया। मैं आपके प्यार की कदर करता हूँ यार और रिस्पेक्ट करता हूँ कि आप मेरे को इतना प्यार करते हो, लेकिन कभी भी अपना नंबर नहीं छोड़ के जाओ सामने। अभी क्या हुआ, अभी वो नंबर जो है ना वो मेरे से इरेज नहीं हो रहा था, लेकिन आपको मालूम है मेरा तो कैमरा हमेशा यहाँ पे रहेगा, तो हम तो आगे देखते हैं, तो उसका नंबर भी पूरा यहाँ पे रहेगा। सारे बंदे बुरे नहीं होते, लेकिन कोई 1000 में से एक भी बंदा बुरा हुआ
तो उसकी वजह से किसी को परेशानी हो सकती है, इसलिए किसी का अपना नंबर मत छोड़ के जाया करो। अगर नंबर छोड़ के भी जाना तो छोटी सी पर्ची बना के वहाँ पे रख दो, तो वो ज्यादा बेटर रहेगी। ऐसा पक्का अपना नंबर लिख दोगे भाई तो फिर मिटाने में प्रॉब्लम होगी और कंपनी का स्टिकर जो है ट्रक नंबर का वो खराब हो जाएगा। बाकी रिस्पेक्ट है और सल्यूट है भाई, अगर आप अपने भाई को इतना प्यार करते हो। जब बारिश होकर खत्म होती है ना, उसके बाद में जो हरियाली होती है ना, वो देखने वाली होती है। देखो दिल ही नहीं करता चलाने को ट्रक यार। ये वाली वायरें मैंने यहाँ पे घुसा दी है, लगता है कि पहुंच जाएंगे वहां पे। ये देखो हमारी कंपनी ने कितने अच्छे पौधे लगाए हुए हैं, देखो अच्छा लगता है ना देख के। और यहाँ पे बैठने के लिए टेबल, तो खाना वाना खाने के लिए टेबल लगाया हुआ है। दोपहर को बैठ के अच्छे लगे तो दिखा दिए कैमरे में भाई। आज पांचवे में भी जाएगा ना, आज कोई टेंशन नहीं। आज कौन सा अपने पास में पीछे ट्रेलर है, आज पांचवे में जा सातवे में जा, आज कोई टेंशन नहीं है भाई। क्या बात है, आज तो कार वाला हिसाब हो गया। ब्लू वेलो बंद कर दिया, इट मीन्स कि अभी कन्वर्टर की ब्रेकें जो है ना वो काम नहीं कर रही। जब हम ब्रेक लगाएंगे कन्वर्टर की ब्रेक नहीं लगेगी, अकेली ट्रक की ब्रेक लगेगी, ठीक है। कन्वर्टर की ब्रेकें हम ऑन कर लेते हैं ना तो उसका मसला बन जाता है रोड के ऊपर। जब हम 70-80-100 की स्पीड के ऊपर ब्रेकें मारेंगे ना तो कन्वर्टर के टायर जो है ना वो पीछे से घिसड़ते हुए आएंगे, क्योंकि कन्वर्टर की ब्रेकें बहुत ज़्यादा होती है और उसके ऊपर वजन नहीं होता। जब उसके ऊपर वजन नहीं होता उसकी ब्रेक मारते हैं तो भाई वो क्या करता है, वो पीछे से अपनी बैग ऊपर उठा लेता है और घिसड़ता हुआ आएगा तो सारे टायर घिसर जाएंगे। इसलिए रोड के ऊपर मोस्टली हमको ब्रेकें ब्लू वेलो बंद करके लेके जाना पड़ता है कन्वर्टर को, जब भी हम कन्वर्टर लेके जाते हैं। बोलते हैं ना कभी कभी कितने टाइम के ऊपर देखो कोई काम होता है। भाई साहब क्या मस्त एंट्री मारी है आपके भाई ने। हेलो ट्रेन वाले भैया, क्या हाल चाल, ठीक ठाक? कोई जवाब नहीं है। और एक बार आगे करके दिखा देता हूँ कि भाई क्या मजा आता है। और ये देखो रिवर, ओहो हो हो, ये रिवर में ना लास्ट ईयर पानी बहुत कम था, लेकिन इस साल तो ये रिवर भी बोलता है कि मैं हूँ। ये देखो भाई साहब कितना ऊंचा छोड़ दिया है, कैमरे को मिट्टी लग गई, मिट्टी जोर लगा के ईशा, जोर लगा के ईशा, जोर लगा के ईशा। मैंने तो खाना भी नहीं खाया अभी तक, लोडेड ट्रेलर है, बहुत जोर लग रहा है। वो टांग देखो टेढ़ी हुई पड़ी है ना, अभी मैंने हुक नहीं किया उससे पहले, देखो आज गोप्रो की ख्याल नहीं लगती, दिमाग का दही हो गया। जो मोस्टली ड्राइवर बंदे होते हैं ना वो ऐसा नहीं करते, जो शैन ट्रक होते हैं ना, शैन ट्रक जो अंदर अंदर चलते हैं कंपनियों के, उनके जो फिफ्थ व्हील होते हैं वो होते हैं स्विच पे पावर वाले, तो वो लैंडिंग गियर उठाते नहीं है, वो ये उनका चक्कर चलता है। वो वाली जो साइड है ना सामने वाली, वहाँ खाली लगे होते, थोड़ी ऊंची नीची है। वाह भाई इंडिया से कॉल आ गई मेरी माँ की, आहा खुश हो गया दिल। सारे सवाल उठ रहे होंगे तो मैं उन सारे सवालों का जवाब देने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। यहाँ से हमने ये ट्रेलर उठाया जहाँ से हम लैंडिंग गियर उठा रहे थे, उन लोगों ने यहाँ पे एक पर्दा लगाना था लेकिन उन्होंने पर्दा लगाया नहीं, सो दैट इज वाई यहाँ पे आके पूरा लोड बाहर निकाल के आगे वाला जो लोड है ना वो है उसमें फ्रोजन मीट है, वहां पे पर्दा चाहिए था। और जो पीछे वाला अभी जो हम लोड करा के लेके आए ये सब होता है डेरी प्रोडक्ट, जैसे दही हो गया, क्रीम हो गई, इसको टेम्परेचर चाहिए 28, 30, 32, 34 ऐसे फारनीट में बात। इस कंपनी का रूल है अंदर भाई सिर पे हेलमेट और जो बाहर से शूज आते हैं उन शूजों को कवर करने के लिए ये वाले उन्होंने शूज कवर दिए हुए थे। देख लो भाई कानून कितने अलग अलग हैं। जब मैंने वहां से टेलर उठाया था ना तो टेम्परेचर था 28, 28, 28, अभी पर्दा लगा दिया, अभी आगे वाला टेम्परेचर जीरो सेट किया तो जीरो भी आ जाएगा जल्दी जल्दी। ये चीजें सब ट्रकिंग का हिस्सा है, यहाँ पे अकेला ट्रक चलाना ही हिस्सा नहीं होता, ट्रक के साथ साथ में ये सारे काम भी जरूरी होते हैं। अभी ये सिंगल ट्रेलर लेके जाएंगे, वहां से पाइक बनाएंगे, डबल ट्रेलर पूरा करेंगे और फिर भाई आगे कैलगरी जाएंगे। कंपनी ने मेरे को बोला था स्पेशल कि ध्यान देना वॉल है अंदर
लेकिन मैंने जब देखा वॉल नहीं है, अगर मैं ऐसे ही कैलगरी ले जाता तो पूरा लोड खराब हो जाता। पर आपको मालूम ही है एक लोड की कीमत एक एक डेढ़ डेढ़ लाख डॉलर होती है। इस कंपनी की जो एग्जिट है वो बड़ी खतरनाक है, देखो पूरा पूरा रास्ता है, ये जो आउट वाला गेट है ना पूरा पूरा रास्ता है, देखो इस तरफ से गैप देखो, इस तरफ से गैप देखो कितना है। इसीलिए इस कंपनी में डबल ट्रेलर नहीं आता, क्योंकि यहाँ से घूमने के लिए जगह नहीं है और प्लस अंदर से निकलेगा कैसे, अंदर टर्न बहुत टाइट है। छोटी हाँ सोचा नू पटेरा मुंडा ते सीधे के हो वांगूनी। सारे रास्ते में भाई बारिश हो रही है, वो भाई साहब बहुत टाइम के उनको ओवरटेक पे लगा के बैठे हुए हैं, लेकिन भाई साहब को काफी टाइम लग गया और उसके पीछे अपना भी नंबर है, हम भी लाइन में लगे हुए हैं। तो ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, स्लो ही नहीं कर रहे उसको रास्ता देने के लिए, वो थोड़ा सा इससे ज़्यादा भाग रहा है। और मेरे को इतनी देर में ये समझ आ गया कि ये जो भाई साहब है ना ये गलती कर रहे हैं, अभी देखो वो भी इनके पीछे ही लगेगा। ये कितनी गलत बात है ये वाले बंदे की, अगर उसने तेरे को ओवरटेक पे लगाया हुआ है तो तेरे को चाहिए कि उसको रास्ता दे। तो मैंने तो अपनी स्पीड ही 90 पे कर ली, वो देखो वो बंदा फिर वापस उसके पीछे लगेगा, देखना जाने दे भाई, उसको सारा तेरे को ओवरटेक करके गया था वो, तूने नीचे से बाइक भगाई है, वो देखो आया ना वापस फिर लाइन में। मेरे हिसाब से इसमें गलती नीचे वाले बंदे की, अगर मैं होता तो अगर वो मेरे को क्रॉस करके मेरे बराबर तक आ गया है तो मैं अपनी स्पीड कम करता और उसको जाने देता। एसी बंद करता हूँ तो गर्मी लगती है, एसी लगाता हूँ तो ठंड लगती है। ओहो एसी लगाया देखो कैसे फोक फोक सी होगी। मेरे को लगता है कि इसको मैं ओवरटेक कर सकता हूँ, मैं 100 पे जा रहा हूँ, मेरे को लगता है कि ये 98, 97, 96 के पास में होगा। अभी ना नए ट्रकों में सेंसर आए, वो सेंसर जो है ना बता देता है आपकी लेन में जो आगे वाला बंदा जा रहा है वो कितनी स्पीड पे जा रहा है। ये देखो शिकारियों की डार जा रही है, ये तो बड़े सियाने बने हुए हैं यार, देखो ऐसी सियाने भाई रात को भी यूज किया करो, जब गाड़ी आई ना तब आराम से खड़े हो गए। नेक्स्ट राइट स्केल की फोटो लगी हुई है और साथ में एक बेड़ी की फोटो लगी हुई है बोर्ड की। लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दो लाइटें हैं ना, ये है ट्रकों के लिए, और ये जो लाइट चल रही है ना ये ट्रकों के लिए नहीं है, ये सिर्फ बोर्ड्स के लिए है। तो जो भी बंदा इन दिनों में अपनी बोर्ड लेके स्केल के ऊपर से गुजर रहा है तो भाई उसको हैव टू स्केल के अंदर जाके अपने बोर्ड की इंस्पेक्शन करवानी होगी कि उसकी बोर्ड के नीचे कोई ऐसी इन्फेक्शन वाली कोई चीज़ तो नहीं लगी हुई जब वो बोर्ड लेक में उतारेगा तो कहीं वो चीज़ लेक में घुस जाए। भाई सुबह के 6 बज चुके हैं यार, आज मेरे साथ बहुत कलोल होगी। आपने सोचना है कि वीडियो कहाँ गई, कहाँ से शुरू की और ये क्या पड़ा हुआ है सेंटर में, प्रेशर लगा देता हूँ। ये क्या है, ये क्या है, ओ माय गॉड, डियर 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 मरा पड़ा है और किसी ने ट्रैक में ही उसको फेंका हुआ है। भाई ऐसा मत करके जाया करो, कोई कार वाला इसके ऊपर गया ना तो पक्का ये डियर मरा पड़ा है यार रोड के ऊपर। देखो अभी अभी किसी ने डियर मार के कोई गया और ये देखो डियर रोड के ऊपर ही पड़ा हुआ है। अच्छा हो गया मेरा ध्यान इसके ऊपर आ गया, अगर कोई इसके ऊपर से कार निकलती है तो कार वाले की पलटी लग जाएगी। इसको साइड में करना पड़ेगा यार। देखो मैंने ना अपना फर्ज अदा कर दिया है यार, ऊपर वाला इसकी रूह को शांति दे, अगर ये यहाँ पे पड़ा रहता ना तो इसकी हालत इतनी खराब हो जाती यहाँ पे पड़े पड़े की। इसके ऊपर से ट्रक वालों ने निकालने थे, कारों वालों ने निकालना था, इसके अंदर से सारी अंतरियां बाहर आ जानी थी। कुदरत के रंग होते हैं, मैंने तो कैमरा पता क्यों ऑन किया था, मेरे साथ ना क्लोल होगी जब वो वेयर हाउस से वीडियो बनाई वहां पे तो बाद में जितनी भी सारी फुटेज थी सारी फुटेज करप्ट हो गई, मेमोरी कार्ड ही काम से गया। कभी कभी की हुई मेहनत जो है ना वो ऐसे ही चली जाती है, लेकिन अभी कैमरा ऑन किया मैंने पूरे जोर से क्योंकि चढ़ती कला में रहना अपना काम है, क्या हो गया अभी करप्ट होगी तो होगी। ये ट्रक में नहीं लगा, लगता मेरे ख्याल में किसी कार कूर में या पिके पुके में लगा होगा, ट्रक से लगा होता तो काफी बिखर जाता। मेरे को इसलिए मालूम है, एक बार मेरे ट्रक में मूस लगा था, एक बार मेरे ट्रक में डियर लगा था, दो चांस हुए मेरे साथ में। मूस वाला भी मैंने आपको कई बार बताया, डियर वाला भी बताया होगा, जब ज्यादा नुकसान हो जाता पुलिस को बताना पड़ता है। तो पुलिस को मैंने कॉल की, उसने सबसे पहले पूछा तुम्हारा कितना नुकसान है, मैं बोला मेरा ट्रक काफी नुकसान हो गया, मैंने साइड पे किया, बोला रोड के ऊपर है, मैं बोला नहीं साइड पे हो गया शोल्डर पे। उसने पूछा कि मूस कहाँ पे जो मरा हुआ है,
बोला मूस जाके देख के आओ रोड के सेंटर में, अगर रोड के सेंटर में उसके पीछे रिफ्लेक्टर रखो जब तक मैं नहीं आता। कानून क्या है, अगर ऐसा कुछ हो जाता है आपके साथ में, जैसे ये किसी के साथ में हुआ है लेकिन उसने पीछे रुक के देखा भी नहीं, अगर रोड के बीचों बीच है, ये तो छोटा जानवर है, मैंने घसीट के साइड में कर दिया। एक बार ऐसा हादसा हुआ है ग्रुपों में देखा, ट्रक वालों में किसी ट्रक वाले से ऐसा डियर हिट हो गया, डियर रोड के सेंटर के बीचों बीच पड़ा हुआ, रात का टाइम था, पीछे से एक सेडान कार आई, जो नीचे वाली कार होती है ना 110 के ऊपर जा रही थी भाई, एकदम सडनली उसके आगे ऐसा डियर आया और कार रोल ओवर होती 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 गई, उसमें से एक बंदे की डेथ हो गई थी, कार बीच में चलेगी, एक बच गया था। बहुत बड़ा फाइन है ये, अगर आपके साथ में जानवर हिट कर गया नो प्रॉब्लम, का कोई टिकट नहीं है यार, कोई चीज आपके रैकेट के ऊपर नहीं जाती, क्योंकि यहाँ पे ये चीजें सारी नेचुरल है, ये सब ऊपर वाले के हाथ में होता है। मौत कब आनी है, कौन सा कोई बंदा जानबूझ के हिट करता है या जानबूझ के मारता है जानवर में, परमात्मा इसकी आत्मा को शांति बख्शे। तो भाई कैसे लगा आज का ड्रोन वाला शॉट, अलग तरीके का था। वो बड़ा बड़ा मूस का स्टैचू बनाया हुआ है, मूस या टाउन का नाम भी मूस ही है, यहाँ पे हम खड़े हैं ना, उससे पहले ये वाला टर्न ले लेते हैं, क्योंकि जब भी टर्न लेना होता है ना सर्विस रोड से बाहर वाला, थोड़ा सा एहतियात बरतना पड़ता है। तो पीछे से तो कोई नहीं आ रहा, आ जाएगी फ्लैशर लगा देते हैं भाई, पीछे वाले बंदे को मालूम पड़ जाएगा कि बंदा रोड के ऊपर निकल रहा है। एरिया इतना ज़्यादा बड़ा है इस कंट्री में कि वायर लगाना पॉसिबल नहीं है, अगर सारी वायर लगाएंगे तो मेरे हिसाब से मालूम नहीं कितने डॉलर्स, कितने मिलियन बिलियन डॉलर्स का खर्चा आ जाएगा। इन्होंने वैसे बोर्ड तो लगाए होते हैं, लेकिन फिर भी जब रात का टाइम होता है जानवर जो है ना वो रोड के ऊपर से बाग के नीचे से निकलते हैं। मैं गूगल के ऊपर ना सर्च करने की कोशिश कर रहा हूँ कितना जानवर अप्रोक्सीमेटली, ये देखो अभी क्या करें इनका, ये देखो खड़ी थी ना ऐसे मुंह उठा के, ऐसे ही खड़े होते हैं सेंटर में, फिर ये भागते हैं ऐसे लेफ्ट राइट। अप्रोक्सीमेटली कितना जानवर जो है वो ऐसा हैपन हो जाती है जानवरों की और डेथ हो जाती है, ये देखो। ऐसे आपको बहुत सारे नमूने जो है ना रोड के ऊपर देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा फॉगी आ रहा होगा क्योंकि सूरज अभी भी मेरे शीशे के अंदर ही है। ये वही रोड बोर्ड है जो मेरे ख्याल में आपने 2000 बार देख ली होंगे मेरी वीडियोस में, क्योंकि ये मेरा पक्का ठिकाना है। लेकिन अभी जो यहाँ पे ट्रक आएगा ना वो देख के आपका हाथ ऑटोमेटिक जाएगा कि वाह 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 वाह, देखो कैनवर्थ है, क्या बात है, 900 लगता है, वाह। ये इसका अपना ट्रक है और इसके अपने ट्रेलर हैं, मोस्टली ये जो ग्रीन वाले ट्रकों वाले होते हैं ना इनके ट्रक का और ट्रेलर का चैसी का रंग सारा सेम होता है, देखो। जब पंप के ऊपर इसको लेफ्ट मार देना भाई तो देखो कैसे सांप की तरह इकट्ठा हो जाता है, देखो। लेकिन एक बार सामने देखो भाई, फ्लाइंग जे के ऊपर कैस्केडिया, वॉल्वो मैक हिनो, और क्या बात है, और वो कैनवर्थ है भाई, क्या बात है, उसकी तो टॉर ही अलग है यार। कैट की स्केल के बारे में मैंने पहले भी बहुत बार बताया, फ्लाइंग जे के पंपों के ऊपर, पेट्रो पास के ऊपर ना कई पंपों के ऊपर कैट की एक सर्टिफाइड स्केल होती है जिसके ऊपर से आप अपने एक्सल वेट निकाल सकते हो, वो एक पर्ची निकाल के देते हैं, अगर वो पर्चे के ऊपर आपका वेट सही है, अगर कोई भी पुलिस वाला किसी भी स्केल के ऊपर आपको टिकट देता है तो जो कैट कंपनी है जिनकी ये स्केल लगाई हुई है, ये बंदे आपको अपना पैसा लगा के आपका केस लड़ेंगे और आपको कोई पैसा नहीं पड़ने देंगे, जितना भी पैसा पड़ेगा, जितना भी जुर्माना होगा ये खुद भरेंगे कैट की स्केल वाले। तो भाई बहुत बड़ी बात होती है इतना अपने आप को एक्सेप्ट करके बताना कि हाँ हम करेंगे, हम लड़ेंगे। यू टर्न मारना ना डबल ट्रेलर का, ऑलमोस्ट यू टर्न हो जाएगा जब लेफ्ट मारना होता है, अपने हाथ और पांव
दोनों कंट्रोल में रखो, भगाना नहीं है। जितना आराम से रखेंगे ना भाई, मौका मिलता है उतना ज्यादा गलती से बचने का। ये कभी भी कर्व के ऊपर जाते नहीं है, अनलेस कि आपके जो पीछे वाले एक्सल है वो किसी ने पीछे ना लगाए हों। एक कार आ रही है भाई पीछे से, ये देखो कार देखो, क्या बात है भाई, तीन टायरों वाली कार गई भाई, तीन टायरों वाली भाई, जिंदगी के नजारे ले रहे हैं बंदे भाई। अल्बर्टा का नंबर है, और अल्बर्टा का नंबर है, मौजे मौजे मौजे। और ये देखो भाई साहब, ओ भाई साहब क्या प्रॉब्लम है आपको भैया, कर दिया वही काम, उस गरीब के कपड़े उतार के रख दिए। एक स्क्रू लॉक होता है इसके अंदर, वो टूट गया इसका, यहाँ पे लगता है यहाँ पे। पक्का जोड़ लगा दिया भाई, मेरे ख्याल में विनी पैक तक ये नहीं हिलता। अगर वो सेंटर वाला होता है ना, वो बंद हो जाता है। इसका बंजी कॉर्ड बहुत काम की चीज होती है, ये हमारे ट्रकों में पड़ी होती है दो तीन, कहीं भी जरूरत पड़ जाती है। बहुत सारे कामों में सिर्फ एक बंजी कॉर्ड यूज होती है, यहाँ पे लगी होती है ना हमारे ट्रक में, मैंने वो निकाल के वहाँ पे लगा दी। मिनी बैग जाके वो निकाल के वापस यही लगा देंगे। मेन काम तो किया ही नहीं, जो करने के लिए रुके थे करके आता हूँ। वो बोलते हैं ना अपने इंडिया में, काना वाला मी आ गया, काना बोलते हैं इसको। जब धूप लगी होती है फिर भी थोड़ी थोड़ी आसमान का ये वाला रंग देख के आपको भी मजा आता होगा, मैं तो बहुत मजे लेता हूँ इसको देख देख के। इसको कितनी जल्दी होती है बंद होने की, 38 सेकंड रह गए, 37, 36। चलो भाई देख ही लेते हैं, बहुत टाइम हो गया इसको देखे नहीं। जब ये मिनट खत्म हो जाएंगे ना, ये भाई साहब अपने आप बंद हो जाएंगे। इतनी शक्ति है भाई इन ट्रकों में, इतने ज्यादा सेंसर लगे हुए हैं ना। मैं बोलता हूँ कि लग्जरी कार में भी इतने सेंसर नहीं होते जितने इसमें लगे होते हैं, कि कुछ तो हमारी कंपनी ने एक्टिवेट किए हुए जो हमारे लिए जरूरी है, लेकिन कुछ तो अभी एक्टिवेट भी नहीं हुए। तो ये वाला जो ट्रक आ रहा है, पहले इसको देखेंगे, इसका मजा उठाओ पहले। अभी इसको स्टार्ट करते हैं। आहा भाई, दिन दिहाड़े सड़क के बीचों बीच स्पीड कर लिए हमने भी 60 की, और ये भाई साहब ने यू हॉल उतार दिए नीचे, और ये हुक करने वाले बंदे ऑलरेडी पहुंच गए मौके के ऊपर। वो वायर लेके जा रहा है टो वाला, वो उसको खींच के निकालेगा भाई साहब को। ओ पैर देखो उसके पूरे पानी में चले गए यू हॉल वाले के। दिन दिहाड़े बीचों बीच सड़क के, मेरे ख्याल में थोड़ी सी सुस्ती पड़ गई होगी तो नीचे उतर गई यू हॉल। सर्दियों में तो हम लोग ये चीजें देखते ही हैं, गर्मियों में देखते थे, थोड़ा सा सरप्राइज होते हैं कि गर्मियों में भी ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई अपना सामान है क्यों छोड़ेंगे, लेके जाएंगे कंपनी को बता देंगे, कंपनी वाले नया लगा देंगे। तो कन्वर्टर अपना किसी और ने उतार लिया और हम हो गए फ्री। पार्टी पार्टी भाई पार्टी। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि कैलगरी में अपनी जितनी भी फुटेज थी जाने के टाइम में, वो सारी मेहनत खराब हो गई। जब एक दरवाजा बंद होता है तो बहुत सारे दरवाजे वो ऊपर वाला खोल देता है, तो भरोसा रखना चाहिए, चढ़ती कला में रहना चाहिए ब्रो। जिस बात के लिए ओपन किया मैं फिर बोल गया कैमरा की ओपन किया है कैलगरी से ना। कल हमने दो डोसे बाय किए, एक डोसा मैंने वहां पे खा लिया, मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी। वो डोसा मेरी जिंदगी का सबसे टेस्टी डोसा था, मेरे को किसी ने रेफर किया था कि शाही पनीर डोसा खा के देखना। मैंने शाही पनीर डोसा लिया लास्ट वीक, मज़ा आया। कि मैंने सोचा कि डोसा ना मेरी वाइफ का भी फेवरेट है मनदीप का, तो मैंने सोचा कि उसको डोसा खिलवाएंगे ये वाला। अगर ये डोसा बचा हुआ तो कल दोपहर को फ्रिज में रख दिया था, अगर खराब हो गया तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ये लो भाई मेडल, कैलगरी से 1350 किलोमीटर डोसा हम लेके आए। अभी घर जाके इसको खोल के जब मैडम खाएगी तभी मालूम पड़ेगा कि मेहनत बेकार हो गई या मेहनत वर्थ हो गई। चले ट्रक वाले भैया चलो, ट्रक तो हमने लेके जाना है, आगे जाना पड़ेगा कल से कानों में एक ही आवाज गूंज रही है, बहुत टेस्टी बहुत टेस्टी। मैंने सुबह से खाना नहीं खाया, खाना नहीं खाया, नहीं दो बार नहीं खाया, एक बार ही खाया। My favorite. सच मानो इतनी दूर से कोई किसी के लिए लेकर आता होगा डोसा, हस्बैंड वाइफ के लिए डोसा इतनी दूर से लेकर आए फर्स्ट टाइम, कि मेरा फेवरेट है। इसके लिए यही डोसा है भाई, इधर देखो डोसा खा रहा है, देखो प्रॉपर तरीके से हाथ वॉश करके फिर इसके मुंह में डालने देते नहीं, ऐसे हम डालते नहीं। अभी मेरे मुंह में आ रहा है बहुत सारा पानी, तो ये देखो जी है
सांभर, कोकोनट वाली चटनी, गार्लिक वाली, ये शाही पनीर वाली और ये रहा डोसा। जम्मी लग रहा है मेरे मुंह में पानी के तूफान आ रहे। ये अभी हाथ पला काम नहीं रहा क्योंकि ये थोड़ा सौगी सा हो गया है, अपने आप टूट रहा है। मैंने बहुत जगह से डोसा खाया, बहुत जगह से, लेकिन ये बहुत टेस्टी है। डोसा खा सकती है तो ये क्यों नहीं दिखेगा उधर? अभी भाई हमारी फैमिली जो लिटरने वाली है ना अभी डोसा खाने के लिए, वो आपको दिखा नहीं सकते। रमन जूठा ही डोसा मैंने खुद देखा चमचे मारते हुए इसको। नहीं तो वो अकेला क्या करेगी, जो तीन चार चटनियां साथ में आई सारी तो तुमने जूठी कर दी उसकी। एक एक करी लाई जस्ट वन टाइम। देखिए मानेगी ना, मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, अगर तेरे को प्रूफ चाहिए तो इसके ऊपर केस कर। जिंदगी में कभी ऐसा डोसा खाया नहीं ना, खाया ऐसा सांभर खाया नहीं। नहीं सच्चाई, ऐसा नहीं कि कैमरा तेरे सामने आया ऐसे सिर ला रही है। बिल्कुल सच बोल रही हूं, मैंने बहुत जगह से डोसा खाया, इंडिया में भी, जहाँ कनाडा में आके भी। आंखों में नशा हो जाता है ना अभी डोसे का नशा। मैंने वो यार डोसा खाया इधर मुंह में डोसा भर के ना, तो मैं डोसा खा रहा पहले 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 भाई ने ऐसा कि बहुत टेस्टी था, इसलिए मेरा रिएक्शन ऐसा बोला नहीं जा रहा, मुंह में पानी आ रहा है, खा दे दो आपको। अगर तुमको मारना मुरना तो मैं कैमरा बंद कर लेता हूँ दो मिनट। मारेगा कौन मेरे को? वो अंदर से मार भी रही है लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं कर सकती। When I know I'll know, hand in hand like left, right, left, right, oh.